पटौदी से कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर चौधरी ने कई गांवों का दौरा किया और लोगों से वोट की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए सुधीर चौधरी ने कहा कि जन समर्थन मेरे लिए आपका आशीर्वाद और पूर्ण सहयोग है, जिसको मैं अपने लिए पटौदी हलके का सम्मान समझकर हमेशा याद रखूंगा। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने केवल जुमलों से लोगों को भ्रमित रखा, रोजगार के मामले में सरकार विफल रही, आर्थिक मंदी के कारण आज कंपनियां बंद होने के कगार पर हैं, जिससे बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। जोश था पब्लिक में हर रोज की तरह, जैसे आप देख रहे हो कि चुनाव आ रहे हैं तो पब्लिक कहीं ना कहीं परेशान है, आर्थिक मंदी से परेशान है, पटौदी में जो वादे करे उससे परेशान है, चाहे किसान हो, चाहे सरकारी एम्प्लॉइज हो, चाहे व्यापारी हो। आपने देखा होगा कि जो किसान है वो खाद के डबल रेट इन लोगों ने कर दिए और कट्टे में वजन कम कर दिया, तो अब समय आ गया है कि उनको सबक सिखाने का, जिन्होंने पूरे देश में विकास के नाम पे और अच्छे दिन के नाम पे वोट ली थी और आज हर एक वर्ग, हर एक आदमी परेशान है।